हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा, आज की डेट में शॉर्ट्स वीडियो का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। तो गाइस, जैसे कि देखा होगा आपने, इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स होती हैं जो कि हम स्क्रॉल करके देखते रहते हैं। गाइस, सपोज डैट आपको कोई रील्स पसंद आ जाती है, मे बी उसको आप डाउनलोड करना चाहते हो। गाइस, आप जो सोचते हो गए उस रील्स को मैं कैसे डाउनलोड करूँ, तो मे बी आप उसे उसके URL का यूज़ करते हो गए या फिर किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करते हो गए उस वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए, यानी कि उस रील्स को डाउनलोड करने के लिए। सो गाइस, कभी आपने सोचा है कि बिना किसी लिंक के जरिए या बिना किसी थर्ड पार्टी के जरिए, थर्ड पार्टी ऐप के जरिए वो रील्स हमारा मे बी डाउनलोड हो जाए बिना किसी URL के, बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के? तो बस एक क्लिक करना है आपको और वो रील्स आपका डाउनलोड हो जाएगा। सो गाइस, सपोज डैट आपने देखा होगा, जैसे कि हम URL के थ्रू अगर रील्स डाउनलोड करते हैं या किसी थर्ड पार्टी के ऐप के ज़रिए रील्स डाउनलोड करते हैं, तो आपने देखा होगा उस रील्स पे इंस्टाग्राम का लोगो में भी शो होने लगता है, या जिस भी इंस्टा यूज़र्स ने वो रील्स अपलोड किया है उसका यूज़र प्रोफाइल्स भी मेंशन होने लगता है, यानी कि दिखाई देने लगता है। सो गाइस, जो कि आज मैं बताने वाला हूँ वो यही बताने वाला हूँ कि आपको जो मैं तरीका बताऊँगा उस तरीके से अगर आप अपना रील्स डाउनलोड में भी करते हो, तो ना तो इंस्टा का लोगो आपको दिखाई देगा, ना इंस्टा यूजर्स ने जिसने वीडियोस अपलोड किया है उसका कोई प्रोफाइल मेंशन होगा। बस सिंपल वे है जो कि हमें एक क्लिक करना है, वो रील्स हमारा मे बी डाउनलोड हो जाएगा। सो गाइस, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, विदाउट वेस्टिंग टाइम पे के लीजिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आप चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि वो रील्स कैसे मे बी डाउनलोड होगा बिना इंस्टा लोगो के ज़रिए और बिना इंस्टा यूज़र जो भी यूज़र आते हैं उस। सो गाइस, जैसे कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ, तो गाइस जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो इंस्टा रील्स है वो मे बी उसको कैसे डाउनलोड करें बिना किसी URL के और बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। तो गाइस, जैसे कि हमें जो इंस्टा रील्स है वो डाउनलोड करना पड़ता था, पहले हम URL को कॉपी करते थे या किसी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए उसको डाउनलोड करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको एक क्लिक करना है और आपका इंस्टा रील्स मे बी डाउनलोड हो जाएगा। जैसे बस गाइस, आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे देखिए गाइस, कुछ रील्स आ रही हैं। सपोज डैट आप कोई भी रील्स है जो भी आपको पसंद आए, जैसे कि मुझे ये वाला जो रील्स है वो पसंद आया है, ठीक है, और मैं इसे रील्स को डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो ये रील्स कैसे मे बी डाउनलोड होगा बिना किसी URL के, बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के? तो यहाँ पे देखिए, शेयर वाला जो ऑप्शन है, जैसे कि ये भी नहीं, मुझे ये वाला भी नहीं, सपोज डैट ये वाला रील्स की मुझे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम, और जैसे ही शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे देखिए ऐड टू स्टोरी वाला ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ऐड टू स्टोरी वाले पे लोडिंग हो रहा है। जैसे ही आप ऐड टू स्टोरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो इस रील्स का हमें प्रीव्यू दिखाई देगा। जैसे ये प्रीव्यू आ चुका है गाइज, ये प्रीव्यू आ चुका है। प्रीव्यू आने के बाद अब इस रील्स को हमें डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए थ्री डॉट्स आ रहे हैं, इस थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए सेव सेव वाला ऑप्शन आ रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ये प्रोसेसिंग पे जा रही है वीडियो, यानी कि जो रील्स है वो डाउनलोड हो रही है। देखिए वीडियो जो है सेव हो गई है। तो गाइस, बस इस तरीके से आप जो इंस्टा रील्स है वो मे बी डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी URL के, बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। तो गाइस, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी वीडियो के साथ आप लोग अभी से ले जाएंगे।